सैनिक रेशम सिंह के समर्थन में बरेली पहुंची पूनम पंडित। आपको बता दें, बरेली के कचहरी रोड पर सेठ दामोदर पार्क में पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन पुलिस कर्मियों के खिलाफ चल रहा है। आपको बता दें, 18 वर्ष अपने सेना में दे चुके सैनिक रेशम सिंह के समर्थन में चल रहा है। रेशम सिंह अपनी बहनोई के निधन के बाद अपने परिवार के साथ उनके अंतिम संस्कार में जा रहे थे। आपको बता दें कि गाड़ी पुलिस कर्मियों द्वारा रोकी गई और गाड़ी के कागज मांगे, लेकिन पॉल्यूशन पेपर दिखाने में थोड़ी सी देरी हो गई, जिस पर पुलिस कर्मियों ने उनको और उनकी माता जी को डंडों से पीटा, जिसके बाद उन्होंने FH हॉस्पिटल में मेडिकल कराया, जिसकी रिपोर्ट उनके पास साक्ष्य है। आपको बता दें, आज समाज सेवी पूनम पंडित उनके समर्थन में बरेली पहुंची और इस घटना को समझा और उन्होंने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पहले जानना चाहेंगे, आज आप इनके समर्थन में आइए, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है भाई, भाई को जो है प्रताड़ित करा गया प्रशासन द्वारा। पीछे एक बार आप नजरें दिखा के देखो, ठीक, इस भाई की ऐसी हालत करी, जो फोटो लगी हुई है आपने वो देख भी ली अच्छे से कि क्या हालत करी, और उल्टा इन पे मुकदमे लगा दिए गए हैं, उल्टा इन पे लगा दिए प्रशासन ने, 8 मुकदमे इन पे और इनकी बहनों पे भी लगा दिए गए। और जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने ये हरकत करी है उन पे मुकदमे लगाए बहुत छोटी धारा में। तो इन्होंने ये धरना चलाया, ये एक देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, देश में सेवा दे चुके हैं, सैनिक हैं, तो इनको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए ना, सम्मान चाहिए। तो वो सम्मान प्रशासन से अनुरोध करते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से, इनका जो सम्मान में खलल है। हालांकि सम्मान एक बार आदमी का आप खराब करते हो आता नहीं है, लेकिन एक आदमी को संतुष्टि हो जाती है कि हाँ हमने उनके लिए, उन्होंने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, तो उन्होंने हमारे सम्मान में दो शब्द कहे। पुलिस प्रशासन के लिए जिस तरीके जो ऐसे अवस्था करते हैं इनके साथ, तुम क्या कहोगे, तुम अपनी बताओ, इनके साथ ऐसी हरकत करी तुम क्या कहोगे? निंदनीय है ना, तो मैं भी निंदनीय ही कहूंगी, जो काम निंदनीय निंदनीय कहा जाएगा, जो काम बढ़िया हुआ बढ़िया कहा जाएगा। ऐसे चंद लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो गए, होवे नहीं होता, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देवे। भाई है भाई, इससे अच्छा तो सीमा पर अगर शहीद होता कितने सम्मान से नाम लिया जाता ना भाई का, ठीक, आज ही अपमान भी देखना नहीं पड़ता। तो भाई का जो सम्मान खराब हुआ है, रिक्वेस्ट है यहाँ के पदाधिकारियों से, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, कि भाई की बात को जरा थोड़ा सा समझें, वरना कोई बात नहीं, देश में इतने आंदोलन चल रहे, इतनों में सहयोग कर रहे हैं हम जैसे लोग, एक भाई के साथ भी सहयोग ठीक है, ठीक फिर ठीक है ना भाई, सहयोगी तो चाहते हैं, अब अपने सम्मान की लड़ाई है उसमें सम्मान चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं बस यह कहूँगी, सरकार कितने आंदोलन चलाएगी, कितने लोगों को मारेगी, कितने लोगों को पीटेगी, क्या क्या करेगी, एक बार लिस्ट बना के जरा जारी कर दे। मैं अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी जो ये बोल रहे हैं, जो इन्होंने बोला कि ये बात मान ले हम धरना करते, नहीं मानी ना तो देश देखेगा, भाई जबरदस्ती करवा दूंगी आपसे अगर आप नहीं कहोगे। सब शर्म आई ना आपसे कि मुझे शर्म आएगी? मेरे को मैम कोई शर्म नहीं। हाँ, अगर आपने जो जो बात मेरे को बताई ना इन्होंने कि आपके साथ ये हुआ, उन बातों में अगर आपको शर्म आवे तो मुझे पहले ही बता देना। मैं आपकी शर्म कर रहा था, मेरे को बोलने में शर्म नहीं है। आपको शर्म नहीं है ना? आप वो जो इनकी रिपोर्ट है MH की, उसे बाकायदा ऐसे दिखाकर आपके मुंह से कहलवाऊंगी कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तो प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात को बाहर अगर आप ज्यादा वो नहीं करना चाहते हो, ज्यादा इस बात को नहीं उखाड़वाना चाहते हो कि इनके साथ क्या क्या हुआ, अच्छे से बता आपको क्या क्या हुआ, तो प्लीज आप इनकी बात को मान ले, इस धरने को शांत करवा दे, उचित कार्रवाई करें। अभी बोलने में कोई शर्म नहीं। हाँ ठीक है ना, देखिए उनको अब आप चाहते हैं कि देश देखे इस चीज को कि क्या क्या हुआ, और रिपोर्ट भी है मेडिकल हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल की, सॉरी वो चीज रिपोर्ट, बाकायदा रिपोर्ट, झूठ तो बोलेगी नहीं मिलिट्री हॉस्पिटल की, ठीक है, तो वो रिपोर्ट दिखा दुखू के मीडिया में भी रिपोर्ट उनको दिखाई जाएगी कि क्या क्या हुआ, ठीक, इस बात को आप कुछ भी समझे चाहे। और भाई को खड़ा करके मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगी, पूरे देश में आपकी आवाज को मैं लेके जाऊंगी भाई, ऐसी बात नहीं है। जब इतनी हरकतें, इतनी गंदी घिनौनी हरकतें, जने कि अभी अपने घर में से ही सीख रहे हैं ये सब कर्म करने, जो इनके साथ वो कर्म किए इन्होंने, ठीक, मैं तो यही कहूंगी कि जो आप नहीं चाहते हो तो हम उसके लिए तैयार हैं, धरना समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप इन भाई को न्याय देवें, इंसाफ देवें, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि देश में इस बात की धज्जी उड़े कि क्या क्या करा इनके साथ, कोई बात नहीं, तैयार है हम भी, भाई भी तैयार है। प्रशासन की तरफ से कोई मांग नहीं मानी जाती है इस संबंध में, तो आप बताया नहीं क्या करेंगे,
बताया ना क्या करेंगे, वो जो चिट्ठी है ना मिलिट्री हॉस्पिटल की उसे दिखाएंगे। और अब भाई शर्मा रहा थोड़ा सा क्योंकि बहन बेटी हूँ भाई मैं भी, और बहन बेटी भी वीडियो देखे, फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़ा सा क्या करे, शर्म भी उतारनी पड़ेगी, नहीं उतारनी पड़ेगी, फिर भाई के मुँह से ही करवाएंगे कि क्या क्या हुआ साथ में। और आप भी बने रहना और आते रहेंगे, हम लोग यहाँ पे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नहीं चाहते मैम, मैं भूतपूर्व सैनिक नायक रेशम सिंह 3 मई 2021 को मैं अपनी दो बहनों और माँ के साथ अपने जीजा जी के अंतिम संस्कार में जा रहा था। पुलिस द्वारा गाड़ी रोकी गई और मेरे गाड़ी के कागज चेक कराने के लिए कहा गया। गाड़ी के कागज़ चेक कराने में जिसमें मेरे को प्रदूषण नहीं मिल रहा था उसमें से मेरे को 4-5 मिनट विलंब हो गया। इसी के ऊपर दरोगा राम नरेश और ऋषि अहमद ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मेरे साथ, मैंने इसी भाषा का उपयोग के ऊपर विरुद्ध किया कि आप मेरे साथ गाली गलौज ना करो। मैं भी 18 साल देश की सेवा करके आया हूँ और बहुत दुखी मन से मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ जहाँ मेरे जीजा जी का अंतिम संस्कार है, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और मार पिटाई शुरू कर दी। मेरी माँ और दोनों बहनें अंदर से आई और माँ के भी हाथ में डंडा लगा, उनका मेडिकल हो चुका है और दोनों बहनों को रोड के ऊपर नीचे गिरा कर राम नरेश द्वारा मारा गया। फिर कोतवाली में जाकर हम मुझे चारपाई पे बांध कर और जो इन्होंने बर्बरता की, 3rd डिग्री की, उसके बाद में जो एक अमानवीय कृत्य किया जो आप सभी जानते हैं, बार बार बोलूँगा फिर भी वही बात है, आप सभी जानते हैं कि उसके ऊपर भी मुझे विश्वास नहीं था कि पुलिस ऐसी भी हरकत कर सकती है, लेकिन मैंने उस हरकत को अपने ऊपर सहा है। उस टाइम पे भी मेरे दिल में यही आ रहा था कि ऐसी बर्बरता से अच्छा तो मैं देश के ऊपर बॉर्डर में मर जाता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, कि चार लोग मेरे आंसू बहाने के लिए आते कि ये बंदा आज देश की रक्षा के लिए मर गया, ना कि ये हमारे देश की पुलिस के हाथों से मर रहा है। अगर मेरे सामने मेरे साथ में कोई दूसरा होता तो शायद इस आवाज़ को ना उठाता। अगर मैंने आवाज़ उठाने की हिम्मत की है, मेरी बहन दिल्ली से चल के मेरे समर्थन में जहां आई है, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सारे मीडिया कर्मचारी जो मेरे साथ जुड़े हैं मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आप मेरा सहयोग कीजिए और मुझे न्याय दिलाने में आपकी बहुत भूमिका रहेगी। बिल्कुल भाई।